हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ फिजिक्स द इजी वे, स्कोर मोर इन लेस टाइम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। सो चार्जेस हमें पता है दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हो तो वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस हो तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो ये क्या है? लाइक चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या है? लाइक चार्जेस। सो ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। और अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो ये क्या है? अनलाइक चार्जेस। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने ये तो देखा कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें पहला मेथड आता है जो हमने देखा है और पढ़ा भी हुआ है, चार्जिंग बाय रबिंग। हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? अगर उस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या हो जाएगी बॉडी? नेगेटिवली चार्ज। इट मींस अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, और अगर किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम उसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में डिस्कस करें, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, ये है ग्लास रॉड और ये एक सिल्क क्लॉथ। सो अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? ग्लास रॉड टू सिल्क। तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन लूज करें इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन गेन करे इसलिए सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड में लूज करे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में गेन करे। सो अगर ग्लास रॉड पे चार्ज प्लस क्यू है तो सिल्क क्लॉथ में चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस क्यू। सो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे होगा। सो इधर जैसे कि हमने देखा कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, ना चार्ज इधर क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और सिल्क क्लॉथ में उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम और अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्लास रॉड क्यों पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और सिल्क क्लॉथ क्यों नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है? इसका रीजन ये है कि डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, कि कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन सा नेगेटिव। सो कुछ लिस्ट हम देख देते हैं जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है क्या? ग्लास रॉड, कैच, फर। नेगेटिव चार्ज में आ जाता है सिल्क क्लॉथ एंड प्लास्टिक रॉड। सो ये कुछ मटेरियल्स है जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं रबिंग के, अगर हम इनको रब करें तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे ये मटेरियल्स, और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे कि कौन सा जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन नेगेटिव चार्ज। अब हमने ये तो देखा कि हमने चार्ज करा बॉडी को, लेकिन हम किसी बॉडी का चार्ज मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक लीफ होती है कुछ ऐसी। सो जब हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज पास करते हैं
तो वो चार्ज जो है इन लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो जितना ये लीव्स डाइवर्ज करेगी उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो. अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की. इसका सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो हम जानते हैं वो क्या है, कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली. और इंसुलेटर्स का पहला डिफरेंस क्या है, दे डज नॉट अलाउ electricity to pass through them easily. अब हम examples की बात करें तो conductors के examples क्या होते हैं, सबसे common example जो हमें पता है वो है metals. next क्या है, earth. earth is a very good conductor. Human body is also a very good conductor. Insulators की बात करें तो क्या है, plastic, wood, glass. ये examples हैं conductors और insulators के. अब इनमें एक और major difference है, वो क्या, अब हमारे पास एक conductor है. ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें हमने क्या करा, कुछ चार्ज दिया. तो जब भी हम कोई भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज पूरा कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कॉन्वर्सली अगर आप इंसुलेटर को चार्ज दे, मान लेते हैं ये हमारे पास प्लास्टिक कोम है और हमने इस प्लास्टिक कोम में इधर चार्ज दिया है, तो वो चार्ज जो है वो इसी एरिया में लोकलाइज रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा. वेयर एज इफ कंडक्टर्स में हमने इधर चार्ज दिया तो वो पूरे कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ये एक मेजर डिफरेंस है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में. अब हम बात करते हैं अर्थिंग की. सो जैसा कि हमने देखा है, हमारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के तीन वायर्स होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और थर्ड वायर कौन सी होती है, अर्थ वायर. सो ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ये किस काम आती है, ये पावर स्टेशन से करंट कैरी करती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर. लेकिन ये अर्थ वायर का क्या काम होता है, सो अर्थ वायर का क्या काम होता है, अर्थ वायर जो है अगर हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी फॉल्ट हुआ, जितना भी एक्सेस चार्ज है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा. उससे क्या होगा, हमें कोई ह्यूमन बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा. तो इसलिए हम अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की. सो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि टीवी या इलेक्ट्रिक आयरन, इनके मेटालिक पार्ट्स को हम क्या करते हैं, अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं. तो जब भी कोई एक्सेस चार्ज होगा या कोई फॉल्ट होगा तो वो एक्सेस चार्ज जो होता है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में लीक कर जाएगा, क्योंकि एक्सेस चार्ज लीक कर गया तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं करेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.